तो वही जगदलपुर में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवार को मुफ्त में पानी की सौगात दे सकती है। नगर निगम के कांग्रेसी महापौर ने निगम क्षेत्र में निवास करने वाले 3,000 बीपीएल परिवारों को निशुल्क पेयजल देने की योजना बनाई है और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जगदलपुर नगर निगम प्रदेश की पहली ऐसी निगम होगी जो गरीबों को मुफ्त में पानी देगी। मुफ्त में पानी देने का फायदा कांग्रेस पार्टी को भी चुनाव में मिलेगा। कांग्रेस नल बिल माफ और बिजली बिल हाफ का नारा इस लोकसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी में है। यही कारण है कि गरीबों को मुफ्त में पानी देने के लिए जोर शोर से काम किए जा रहे हैं। महापौर जतिन जायसवाल ने बताया कि शहर में भागीरथी नल जल योजना के तहत कनेक्शन लगाने वाले करीब 3,000 गरीब परिवारों को मुफ्त में पानी दिए जाने का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया है। दरअसल बीपीएल परिवार से पानी के बदले हर महीने 60 रुपए शुल्क के तौर पर लिए जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें मुफ्त में पानी देने के लिए निगम को करीब हर माह 1,80,000 रुपए का अतिरिक्त भार उठाना होगा। महापौर ने कहा कि इस बार निगम खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, इसलिए राज्य सरकार की मदद मांगी गई है और राज्य सरकार भी इसके लिए तैयार हो गई है। महापौर ने कहा कि इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने के लिए भी प्रस्ताव में लिखा गया है, जिसे 2 दिन के अंदर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसमें जो हमारे बीपीएल कार्ड धारी हैं और भागीरथी नल योजना के अंतर्गत उन्होंने जो कनेक्शन लिया हुआ है जिसको प्रतिमाह 60 रुपए देते हैं, मैंने सरकार को सामान्य सभा से बजट में लाके पारित कराया है और इसको शासन को भेजा है कि 60 रुपए जो हम लेते हैं गरीबों से उसको विलुपित किया जाए। जैसे कि 3,000 हमारे यहाँ कनेक्शन है और 60 रुपए के हिसाब से 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष प्रतिमाह हमारा लगभग इसमें एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा जो हम निगम उसको बर्दाश्त कर सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है और पूरे राज्य के लिए मैंने प्रस्ताव भेजा है कि राज्य में भी करना चाहिए, क्योंकि पूरे राज्य में हमारे सैंक्शनड हैं 2,60,000 लेकिन कनेक्शन हुए हैं हमारे 1,70,000 रनिंग में, तो 1,70,000 को विलुपित करते हैं तो हमारा लगभग 1.5 करोड़ का खर्चा आकलन ऐसा है और साल का 10 करोड़ का लगभग आएगा जो सरकार वहन कर सकती है और हमारे गरीब लोगों को मुफ्त में पानी मिले। इधर विपक्ष ने इस योजना को महापौर की कल्पना बताया है। भाजपा के पार्षद रजनीश पाड़ी ग्रहेई का कहना है कि जगदलपुर नगर निगम मंदी के दौर से गुजर रहा है। नगर निगम के महापौर ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बजट पूर्ण रूप से काल्पनिक बजट है और उस बजट का कहीं भी आम जनताओं को लाभ देने से कहीं उसका सरोकार नहीं है। जहाँ तक रही 3,000 परिवारों को मुफ्त में पानी देने का, उस बजट में कहाँ से पैसा, चूंकि ऑलरेडी जगदलपुर नगर निगम घाटे का नगर निगम है, जितना उसका राजस्व है उस राजस्व के आधार पर वहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह देना भी बड़ा मुश्किल होता है और राज्य सरकार के भरोसे ही जगदलपुर नगर निगम चलता है। और ऐसी स्थिति में महापौर जी के द्वारा 3,000 परिवारों को मुफ्त में पानी देने का जो वादा उन्होंने किया है वो कोरी कल्पना है और कुल मिला के वो जगदलपुर की जनताओं को झूठ बोल रहे हैं। ऐसी वो 4 साल से लगातार ऐसे ही, मतलब हर बजट में लोक लुभावनी बातें करते हैं लेकिन जब काम करने की बात आती है तो काम शून्य है। निगम के खुद के आय के स्रोत नहीं होने से राज्य सरकार के भरोसे निगम चल रहा है। ऐसी स्थिति में महापौर द्वारा जो 3,000 परिवारों को मुफ्त में पानी देने का वादा उन्होंने किया है वो मात्र कल्पना है, वे शहर वासियों को झूठ बोल रहे हैं। बीते 4 साल से महापौर लोक लुभावनी बातें करते हैं और उनकी योजना धरातल पर नहीं आ पाती है। भाजपा पार्षद रजनीश ने कहा कि महापौर अपनी वाहवाही लुटाने के लिए इस तरह की योजना बताकर गरीब परिवारों से छलावा कर रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।